सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक, सब बेहतरीन और लाइफ में अच्छा जा रहा होगा। हाँ भाई, देख लिया मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? हाँ भाई, इंडियन टीम जीत गई। और भाई सबसे पहले उनको मुबारकबाद यार, बहुत अच्छा खेले, जो पार्टनरशिप लेके चले वो। और लेकिन यार मानना पड़ेगा उनको भी कि हमारी बॉलिंग अटैक और हमारी परफॉर्मेंस और हमारी मेहनत के आगे उनके जो घुटने थे वो कम से कम हिलने तो लगे थे बहुत ज़्यादा। यार मैच में जो भी मैंने मैच देखा यार, मैच में सही बताऊँ यार, बहुत यार नाइंसाफियाँ हुई हैं। ये नहीं कि हम हार गए हैं तो मैं रो रहा हूँ यार। मैंने पहले सुना, मैंने बोला नहीं यार, ये अक्सर हो जाता है मैचेस में यार, जब हम लोग जीत जाते हैं तो उनकी तरफ से रोना काना लगा होता है, आज हम जीते तो कहीं हमारी तरफ से तो रोना काना नहीं लगा हुआ। लेकिन जब मैंने मैच देखा और मैंने बहुत गौर से देखा, और स्पेशली एंड के जो 5-6 ओवर थे यार, वाकई यार ICC को सोचना चाहिए जो अंपायर ने किया। लेकिन जाहिर सी बात है यार, बहुत प्रेशर होता है बेचारे इंडिया पे। तो पहले पिछले अक्टूबर में हम जीते, फिर वो जीते, फिर हम जीते, चलो तुम जीत जाओ कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जब मैंने देखा ना इंडियन सोशल मीडिया पे, उनके चैनल पे वीडियोस देखे कि किस तरह यार वो हम लोगों को मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, अगर तुम लोगों को खेलना है हमारे साथ तो न्यूट्रल वेन्यू में आओ, हमें बुलाओ, हमारी टीम आएगी इंडिया इंशाल्लाह और जीत के दिखाएगी, और बहुत अच्छा जीत के दिखाई, जिस तरह पहले जीत के दिखाया है। और वसीम अकरम ने भी एक शो में यही कहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते कभी कोई बड़ा मैच तो क्या हुआ, हालांकि लास्ट ईयर जीते हैं, तो हमारे अब भी तुमसे जीतने की तादाद मैचेस की ज़्यादा है, टाई की कम है और इंडिया की भी कम है, तो वर्ल्ड कप में हम तुम्हें मौका दे देते हैं कि यार चलो जीत जाओ। तो भाई ऐसी शर्त शराइत ना रखें, गलतियां होती हैं इंसान से, हमारी टीम से अगर गलती हुई, लेकिन हमारे यहाँ टीवी नहीं टूटे। अगर आपके यहाँ मैच की हार हो जाती तो टीवी टूटते, बड़ी स्क्रीनें भी टूटती और बहुत बड़ी नौीयत से, बहुत बुरे तरीके से टूटती। बहरहाल मैं बस इतना कहूँगा कि खेल को खेल रखना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सारे खिलाड़ी के इंडिया में इंटरव्यूज़ देख रहा था, वो जंग की तरह इसको ले रहे थे यार। अबे जंग नहीं है, क्रिकेट है यार, और इज़्ज़त नफ्स का मसला है। हम पाकिस्तानी इज़्ज़त नफ्स का मसला नहीं बनाते और ना इंशाल्लाह कभी इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को किस तरह खेलना है, किस तरह नहीं खेलना है। गलतियां होती हैं, फिर कहूँ, और गलतियां होती रहती हैं, हम गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, गलतियों में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने खिलाड़ियों पर चढ़ाई कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है ना, अगर ये होता ना कि चलो तुम इंडिया ये टारगेट, ये तो शुक्र करो 180 या 175 का टारगेट नहीं था, फिर क्या करते, कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोग को। आप लोग की सोच है, हमारे हार गए, आज बात कर रहा हूँ ना मैं, कल परसों भूल जाएंगे, फिर जब मैच शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले ये आप ही झंझोड़ के टटोल के सारी बातें करोगे। लेकिन इंशाल्लाह 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 हमारी टीम जीत के काफ़ी हमकिनार होगी इस T20 वर्ल्ड कप 2022 यानी कि 2022 इंशाल्लाह, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन आप हमारी टीम को बहुत अच्छा देखोगे, बहुत अच्छा पाओगे। चैलेंजेस हैं, करेंगे, आगे सामना हुआ आगे भी सामना करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह और इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे। बाकी मेरा एक किला, मैं एक चीज़ देख रहा था कि सिर्फ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, नाम सबको पता है, वही ये मैच देखने गए थे लाइव, घर आके उन्हें रिव्यू भी दिया। लेकिन जब मैंने, और बिलीव करें इसके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, वो अपने खर्चे पर गए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया के कितने यूट्यूबर्स गए हैं यार, उनको कितने ऐड ऑफर करते हैं कि वो उनको वहाँ भेजते हैं ताकि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें, दिखाएं। जीत हो या हारो वो तो एक अलग मैटर है, और इंडियन मीडिया, ओहो, जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ यार, इन लोगों को, हम हारे, गलतियों से हारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पे तंकीद की जाए। मैंने ये भी देखा भाई कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आता, मैं यार इंडियन फैंस के इमोशन समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी फ़ैन हूँ। बट फिर बात बोलूँ, आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपकी टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली के फैंस हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मानते हैं इंडियन टीम को यार, बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हम रिस्पेक्ट करते हैं हर उस खिलाड़ी की जो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा खेलता है। और इंडियन टीम के हमारे दिल में लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हम पाकिस्तानी टीम के लिए और हम पाकिस्तानी आवाम के लिए, हम लोग इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे। बहरहाल आपको मैच कैसा लगा और आपको क्या क्या गलतियाँ नज़र आईं या क्या क्या नाइंसाफियाँ नज़र आईं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब जानते हैं मैं पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। बाकी आगे भी मैचेस हैं तो अपनी, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं,
अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाए, तब भी वो हमारी टीम हमारे सर आंखों पे, हम उसको मानते हैं, जानते हैं और हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे। गलतियां होंगी तो तनकीद भी करेंगे लेकिन उनकी तजलील नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।